नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ऊपर वाले से माफी मांग लेना, लेकिन ऐसी लड़की से कभी शादी मत करना, नहीं तो पति की मौत के साथ घर परिवार भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। ये लड़की नहीं, आपके लिए विनाश है। दोस्तों, हम आपको सावधान कर रहे हैं कि ऐसी लड़की के साथ कभी शादी मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी रोते रहोगे और ऊपर वाले को दोष दोगे। दोस्तों, आपको बता दें, महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और ये बात हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पर हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो इसके लायक नहीं होती। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताया है कि अगर जिस लड़की में ये चार गलत आदतें होती हैं, तो वो जिस भी घर में जाती है वहाँ तांडव ही मचाती है। ऐसी लड़की अगर आपको कहीं दिखे तो तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाना, लेकिन ऐसी लड़की से कभी शादी मत करना, वरना आपकी एक गलती पूरी जिंदगी आपको नरक का पात्र बना सकती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ लड़कियों के बारे में। चाणक्य के अनुसार जांच परख कर करें शादी। दोस्तों, शादी करना कोई गुड़िया और गुड्डों का खेल नहीं होता। शादी एक वो बंधन है जिसे जिंदगी भर व्यक्ति को निभाना पड़ता है। इसलिए किसी भी लड़की से आप अगर शादी करें तो सबसे पहले आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से इस बारे में राय जरूर लें और जितना हो सके लड़की के स्वभाव के बारे में जानें। इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो गलत जानकारी और गलत लड़की से शादी आपको महंगी पड़ सकती है। आपका पूरा परिवार टूट कर बिखर सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य जी के अनुसार जिस लड़की के अनेक संबंध होते हैं तो उनसे कभी भी भूलकर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी लड़की कभी किसी का भला नहीं कर सकती और बात जब इनके पति की हो तो ये उन्हें भी त्याग सकती हैं। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपको कहीं भी ऐसी लड़की दिखाई देती है और आप उससे शादी करना चाहते हैं तो तुरंत अपनी जान बचाएं, इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार कुछ महिलाओं को धन का इतना लोभ होता है कि वो धन के लालच में कुछ भी कर सकती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस लड़की के अंदर अगर ऐसी आदत होती है तो कभी भी उससे शादी मत करना। चाणक्य नीति के अनुसार लड़की के अंदर संतुष्टि ना होना एक बड़ी चिंता का विषय माना जाता है। कहा जाता है कि महिला में संतुष्टि ना होना पूरा परिवार खत्म कर सकता है, इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, धर्म को ना मानने वाली लड़की। दोस्तों, जिस घर की लड़की अगर पूजा पाठ ना करती हो तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है और घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। इसीलिए आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जो लड़की अगर धर्म का पालन नहीं कर सकती तो वो अपने पति का पालन क्या करेगी। इसलिए कभी भी अधर्मी लड़की से शादी मत करना, इसी में आपकी भलाई है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, गुस्सैल लड़कियां। दोस्तों, भले ही लड़कियों की फितरत होती है झगड़ा करना, लेकिन हद से ज्यादा अगर यह अवगुण किसी लड़की में पाया जाता है तो आपका घर परिवार सब बर्बाद हो सकता है। गुस्सैल लड़कियां अच्छाई को कभी नहीं मानती। दोस्तों, वहीं जिस लड़की में अगर ममता नहीं है तो वो किसी का भला नहीं कर सकती। इसलिए सोच समझ कर ही ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने में इंटरेस्ट है
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।